अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने लास्ट टाइम कमेंट किया था कि हम AI टूल की मदद से कैसे फ्री में वीडियो बना सकते हैं। तो ये वीडियो आज स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपने क्रोम में चले जाते हैं और इस क्रोम में क्लिक करते हैं, क्योंकि जो है देखिए मेरे पास से कोई भी कैनवा ऐप में जो है इंस्टॉल नहीं हुई, तो मैंने अपना क्रोम ओपन कर लिया और डायरेक्ट हम जो है ऑनलाइन कैनवा पे चले गए हैं। अब ये देखें कैनवा के जो फर्स्ट पेज है, इसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ये लास्ट ऐप वाली ऑप्शन पे आप चले जाएं, यहाँ पे चले जाएंगे तो आप डायरेक्ट AI टूल जो भी कैनवा ने लॉन्च किया है आप उस तक पहुँच जाएंगे। ये देखें, ये फर्स्ट ही वो ऑप्शन है जो आपको देता है कि क्या अपने AI टूल के जरिए वीडियो बना सकते हैं। तो हम ये देखें सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया है। तो व्यूअर्स, इससे पहले हम आगे अपने वीडियो की तरफ बढ़ें तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि हमें कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होगा, तो मैं बच्चों की कोई मॉरल स्टोरी के ऊपर ये वीडियो बना लेती हूँ, जैसे कि हेल्प टू ईच अदर पे हो गया, या फिर ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, या फिर हम रैंडमली कोई भी टॉपिक चूज़ कर लेते हैं। ये देखें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों की स्टोरी से रिलेटेड, तो मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ और हम इस वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं जिसमें डिफरेंट जो स्टोरीज़ हैं, मॉरल स्टोरीज़ हैं, वो लिखी हुई हैं। जिसमें ये सबसे ऊपर लिखी हुई है अ माउस एंड अ लायन, ये बड़ी फेमस स्टोरी है बच्चों के लिए, हमने शुरू में से ही इसको पढ़ा था। तो चलिए इसमें पहले हम पैराग्राफ को क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि कैनवा आपको 500 वर्ड्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। तो मैं ये देखेंगे सेकंड में जो है लेडीज़ को आपको सिलेक्ट कर लिया है, और नीचे जो ये एक ऑप्शन है जिसमें एक ब्लॉग सा बना हुआ है, इसके अंदर 500 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो वर्ड्स कॉपी किए थे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए हैं, और देखिए ये 500 वर्ड्स, चले हमने इसको क्लिक कर दिया, अभी देखते हैं कितने वर्ड्स बनते हैं। और इसके नीचे एक और ऑप्शन है इंग्लिश का, डिफरेंट वर्जन है इंग्लिश के, आपने कौन सा चूज़ करना है, एक्सेंट USA का एक्सेंट यूज़ करना है, ऑस्ट्रेलिया का यूज़ करना है, ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करना है। तो बस मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले एक्सेंट को यूज़ कर लिया। और फिर नीचे देखिए उन्होंने कहा है कि आपने किसकी साउंड लेनी है, बूढ़े की, जवान की, बच्ची की, किसकी, तो मैं ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो और इसको साथ में कमांड मैंने दे दी कि आप स्टोरी क्रिएट कर दो। जितनी देर में स्टोरी बनाता है तो इतना ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, थोड़ी सी टाइम लेगा ये आपका, देखें विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपकी स्टोरी क्रिएट हो गई है। तो मैं आप सबसे पहले इसको जो ये इन्होंने मुझे स्टोरी क्रिएट करके दी है, मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ और इसको पूरे पेज पर लेके आती हूँ ताकि ये हमारा फुल वीडियो वाला ये बन जाए। तो इसको कर्सर को खींचेंगे तो फुल ये इस पेज तक पहुँच जाएगी। फिर टेक्स्ट में हम देखते हैं चला के ये स्टोरी काम भी कर रही है या नहीं। तो ये जी लोड हो रही है, तो जैसे ये लोड हो जाएगी तो ये खुद वर्क करना शुरू हो जाएगी। A mouse that was passing by saw the lion and started running up and down the lion for fun. Disturbed from his nap, the lion caught hold of the mouse and threatened to kill it. "Please don't kill me," begged the mouse. "Spare my life and I will repay you for the favor one day," the mouse whimpered. The lion was amused by the thought of a little mouse helping the king of the forest, but let the mouse go out of kindness. जी हाँ व्यूअर्स, ये देखिए इन्होंने जो है मैंने जितने वर्ड्स लिखे थे उस पर ये स्टोरी बना के मुझे दे दी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं, मैं कुछ भी एनिमेशन कर सकती हूँ इसमें, इसको डिफरेंट तरह के मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, मैं किसी को भी सिलेक्ट करके तो इसमें एनिमेशन कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास इसकी पोजिशन का है, और फिर इसकी देखें जो है कैसे कौन सी पोजीशन मैंने सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे इसमें मुझे ब्लर का भी ऑप्शन है कि वो अगर आपने सिर्फ साउंड लेनी है तो साउंड ले लें, अगर आप कोई और पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। और एडिट में जाते हैं और बहुत सारे ऑप्शन हैं ये देखें, और ये देखें बैकग्राउंड का भी है, क्योंकि मेरे पास ये फ्री वर्जन है तो इसमें बैकग्राउंड का नहीं है, अगर आप पेड वाला यूज़ करते हैं तो ये आपको बैकग्राउंड भी रिमूव करके दे देता है। तो यहाँ पे इन्होंने और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, देखें मैं जौन सा भी सिलेक्ट करूँगी तो वो चेंज होता जाएगा। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे बस ये फर्स्ट वाला ही सेकेंड वाला ही यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी सारी थोड़ी बहुत जो मैंने चेंजिंग की थी वो हो गई है।
अब नेक्स्ट में हम दोबारा फिर इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको क्रिएट करते हैं। हम दोबारा उस ऑप्शन पे चले जाते हैं जहाँ से ऐप खुली थी। ये देखें यहाँ पे ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, इधर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास AI टूल आया हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप वापस उसी ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो व्यूअर्स, जो हमने आधी स्टोरी सिलेक्ट की थी, वापस हम उसी पेज पे जाते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है स्टोरी का, वहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। ये देखें ये जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब वापस हम अपने AI टूल की तरफ जाते हैं जो कि कैनवा के ज़रिए हमने क्रिएट किया है। तो ये वही वाले जो हमने पहले एक सिलेक्ट किया था अवतार, उसको दोबारा फिर हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो एक बॉक्स है, इसके अंदर डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर हम जो हमने जो सेकंड पार्ट था वो हमने प्लेस कर दिया। और उसके बाद जी जो नीचे उन्होंने हमें इंग्लिश का ऑप्शन दिया था, हम दोबारा फिर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम कोई भी और साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कोई और साउंड सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखें बहुत सारे हैं, तो ये मैंने थर्ड वाला ऑप्शन क्रिएट ले लिया। तो अब देखें दोबारा फिर वो क्रिएशन पे चला गया है। आई होप सो व्यूअर्स कि आपको इजीली समझ आ गया होगा कि कैसे सब कुछ जनरेट हो रहा है। तो क्वाइट ईजी है, बस एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम आप ख़ुद बना सकते हैं ये वीडियो। तो व्यूअर्स ये देखें उन्होंने हमें जो सेकंड उसका पार्ट है वो भी क्रिएट करके दे दिया है, और मैं इस पे क्लिक करती हूँ। After a few देखें days, the lion gets caught in a net laid down by a hunter. No matter how hard he tries, the lion fails to free himself from the net. The lion's roars of frustration and helplessness are recognized by the same mouse to whom the lion showed mercy. The mouse finds the lion and gnaws the net until it comes apart. The lion thanked the mouse and felt silly for ever doubting its capabilities to help him. Moral of the story, no act of kindness is ever wasted and no one should be judged base. चलें व्यूअर्स, हमारा जो सेकंड पार्ट वो भी क्रिएट हो गया है। तो इसमें भी हम मुख्तलिफ तरह की एनिमेशन कर सकते हैं, कुछ भी आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप इसमें बैकग्राउंड किसी और तरह का लगा सकते हैं, या बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई कोई आप वॉलपेपर लगा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी तकरीबन AI टूल के ज़रिए तकरीबन मोर देन 1 मिनट वीडियो क्रिएट हो चुकी है। तो व्यूअर्स ये इजीली स्टेप्स हैं जिनको फॉलो अप करके आप खुद बखुद एक जो वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कैनवा वालों ने सबको दिया है, ये फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। बल्कि ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि YouTube की वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं आना चाहते, और ये AI टूल के ज़रिए ही वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स देखें मैंने इसका लास्ट पार्ट भी खुद ही क्रिएट कर लिया है, और ये मेरा जो है, अब हम इसको फुल प्ले करके देखते हैं कि कैसे कंप्लीट काम कर रहा है, यानी आई होप सो ये वर्क कर रहा हूँ। चलिए मैं इसे चला के देखती हूँ कि कैसे काम कर रहा है। Please start kill me, beg the mouse. Spare my life and I will repay you for the favor one day, the mouse whimpered. The lion was amused by the thought of a little mouse helping the king. Viewers, I hope so कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। After a few days, the lion gets caught in a net laid down by a hunter. No matter how hard he tries, the lion fails to free himself from the net. The lion's roars of frustration and helplessness are recognized by the same mouse to whom the lion showed mercy. The mouse finds the lion and gnaws the net until it comes apart. The lion thanked the mouse and felt silly for ever doubting its capabilities to help him. Moral of the story, no act of kindness is ever wasted and no one should be judged base. Thanks for watching Posey, like share and subscribe. तो व्यूअर्स ये साइड वाले बटन से आप इजीली इस सारी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने किसी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। और आई होप सो कि आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।